कॉर्डेज देखना पड़ेगा वो कैसे। लेकिन इन्होंने यूपी के टूरिस्ट को जरूर, इसी के बीच ए एस को भी यहाँ पे नॉक कर दिया। यहाँ पे अर्ली स्टेज में फाइट बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे देखना पड़ेगा वो कैसे एक रोजॉक के कंटेनर में जो वो है, लेकिन यहाँ पे ये एक रॉन्ग कॉल बन सकता है, क्योंकि अगर आप रोजॉक जॉर्जो आई एम सो सॉरी जॉर्जो पुल के जो कंटेनर्स या वेयरहाउस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव बन सकता है। इसी के बीच में हर्ष ने यहाँ पे ज़रूर यूबी के रैंडम को नॉकआउट किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइट देखने को मिली नहीं है। इसी के बीच में DWE के ड्रैगन ने भी यहाँ पे एक नॉक ज़रूर निकाला अपने टीम के लिए, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि वो किल अपने आप के लिए ले पाएंगे। टीम नंबर 13 ने एक फाइट ज़रूर ले लिया टीम नंबर 8 के बीच में, हालांकि वो ज़्यादा टीम नंबर 8 जो है ज़्यादा हाई लोकेशन में, लेकिन अगर आप देखो तो टीम नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा लो भी हो चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि इस फाइट को वो कैसे ले गए। और अगर जोन की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, लास्ट तक जोन जॉर्जो सिटी में जॉर्जो पुल के माउंटेन या हिल पे ही रहता, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा उसको वो कैसे करते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 8 जो है वो बस जोन सेंटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका एक अच्छा कॉल था जोन में आने के लिए, और वो जोन का जो उन्होंने हाई रोटेशन लिया था वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बन चुका। अब जोन हट चुका तो देखते हैं कैसे अपने अपने आइडियल्स अपने टीम को जोन में लेके जा सकते हैं। देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे जोन के बाहर भी फाइट होगा। हर्ष की जो एरिया से वो 21 के टीम नंबर 21 पे ऊपर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे 1 HP के हिटमैन ने नॉक कर दिया। देखना पड़ेगा 1 HP के हिटमैन क्या वो किल अपने नाम कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म ज़रूर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे हिटमैन ने यहाँ पे नॉक तो ज़रूर किया था यूबी के क्रेटोस को भी। क्रेटोस पे एडीएस ज़रूर रख रहा है, देखते हैं क्रेटोस को यहाँ पे वो नॉक कर पाते कि नहीं। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा पीछे आ चुके हैं, लेकिन उनकी एडीएस ज़रूर उस पर रहेगी। टीम नंबर 21 भी उनके बीच में, इनकी टीम मल्टीपल फाइट्स लेने की सिचुएशन ज़रूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सेम यूबी के मार्टिस पे पूरी स्क्वाड आ चुकी है, देखते हैं वो यूबी यूटी के मार्टिस को कैसे बचा सकते हैं। एक बंदा इनका भी नॉक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे यूबी के मार्टिस को भी नॉक कर दिया है। यहाँ पे रिवाइव ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रोटेशन भी देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर रोटेशन ना दे तो वो शायद फाइट बन सकती है। डीओडी डीओडी के बंदों को यहाँ पे DOD का एक बंदा ज़रूर नॉक हो चुका है। टीम नंबर 22 भी आ चुकी है, टीम नंबर 8 को यहाँ पे वैनिश कर दिया। हालांकि इनके पास ओके टीम नंबर 8 वैनिश हो गई है, हालांकि उनके पास एक अच्छा खासा हाई रेज था, लेकिन वो फाइट वो कंफर्म नहीं कर पाए। टीम नंबर 22 काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह फंसी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइट्स लेना चाहते हैं। TBD के बिनोद ओपी ज़रूर बाकी है, लेकिन यहाँ पे रोड जोन से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर है, तो वहाँ पे इनको रश भी करना पड़ेगा टीम नंबर 22 के बीच में। हालांकि उन्होंने एक नॉक निकाल दिया था, अगर वो नॉक ना निकालते तो शायद ही वो जोन में आ सकते थे। हील बैटल यहाँ पे अर्ली स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉप हील जरूर पॉपिंग की है, देखना पड़ेगा इस फाइट को वो कैसे हैंडल करते हैं। बिनो लोपे हाई लोकेशन में जरूर थे, लेकिन यहाँ पे उनको भी डैमेज दे चुके हैं। अब जोन में जाना भी जरूरी है, और एक डायरेक्ट स्लैमिन जरूर देखने को मिला था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा 1 HP पे, तो वहाँ पे इजी किल वो गवा बैठे, और एक इजी किल उन्होंने देख दिया। इसी के बीच में माफिया जो एक ग्रेनेड पुल कर रहे हैं क्रेटोस के ऊपर, और देखना पड़ेगा कि अब वो एक अच्छा ग्रेनेड अपने आप में बन सकता है। क्रेटोस को अगर वो यहाँ पे अक्षय को अक्षय डायरेक्ट रश करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने वो फाइट भी अपने नाम कर दिया। 4 किल ऑलरेडी बन चुके हैं, अब देखना पड़ेगा जोन में वो कैसे रोटेशन देते। जोन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 100 मीटर का इनको करना पड़ेगा, लेकिन हाई लोकेशन में
तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। टीम नंबर 21 को भी स्पॉट करना, टीम नंबर 21 ने भी इनको स्पॉट जरूर किया होगा। स्पॉट करके इन पे फायर भी आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा कवर बना सकते हैं वो एक रोजॉक के हिल पे। चार टीम अभी भी बाकी है, 13 टीम्स अलाइव, 13 प्लेयर्स अलाइव, देखते हैं इस सिचुएशन में कैसे बन सकती है। 21 टीम ने वो हाई रिस्क जरूर अपने नाम कर दिया, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 12 ने भी वो हाई रिस्क अपने नाम जरूर किया, उनको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन 22 जो बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि दो बंदे अपने आप में नॉक हो चुके हैं, जोन के बाहर भी ज़्यादा है, तो अभी जोन से बाहर भी ठेल सकते हैं, बिनो ओपी भी यहाँ पे ठेल चुके हैं। 3 टीम अभी भी बाकी है, देखना पड़ेगा टीम नंबर 2 के माफिया जो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। जोन के बाहर ज़रूर है माफिया भाई, जोन के अंदर तो ज़रूर आ चुके हैं, अब देखना पड़ेगा। रॉयल बेबी जो ओपन, ओके डेविल का एक टीम किल ज़रूर उठाया। 3 टीम्स अभी भी बाकी है, 7 प्लेयर्स बाकी है, तीन तो इनके पास ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके पास जो मैन पावर है वो सबसे ज़्यादा है, 2v2 vs 3 है, देखता है इस सिचुएशन में वो कैसे आ सकता है। यहाँ पे पेका तो ज़रूर ओपन में देखा था, लेकिन किसी को नॉक नहीं कर पाया। हर्ष ने रॉयल बेबी को ज़रूर नॉक किया, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हर्ष, एक अच्छा। यहाँ पे रॉयल बेबी को नॉक भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 12 जो वो भी पीछे से आ चुकी थी, लेकिन अब टीम नंबर 12 वो फाइट कैसे ले सकती है वो देखना ज़रूर चाहेंगे। इनके पास हाई रोकेशन अभी भी है, लेकिन जोन के बाहर भी वो अभी भी है, लेकिन जोन के अंदर ही वो जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसी एक बंदे को उनको नॉक ज़रूर करना पड़ेगा। स्पॉट ज़रूर किसी को भी नहीं कर पाए, लेकिन जब स्पॉट करेंगे तो एक अच्छा इनके पास हाई लोकेशन का वो हैंडल है। अक्षय को ज़रूर स्पॉट किया था, लेकिन अब जोन भी आ चुका, तो इनको जोन में भी जाना पड़ेगा। 23 सेकेंड्स का अभी भी जोन बाकी है, तो यहाँ पे जोन को तो वो इजीली कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में टीम नंबर 21 भी है जो इनके ही साइड से खेल रही है। यहाँ पे साइब्रस को नॉक भी कर दिया, आयुष जो है वो लिटरली 1 HP हो चुके हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा आयुष अपना हील करके कैसे। रॉयल पेका अभी भी बाकी है, रॉयल पेका एक ग्रेनेड जरूर पुल कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छा ग्रेनेड बन सकता है वो देखना जरूर पड़ेगा। आयुष को यहाँ पे नॉक कर दिया था, लेकिन उसी के बीच में इनको भी नॉक कर दिया। WTF गेमिंग विद